हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि 2.25 को भिन्न में कैसे बदलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 225 बट्टे 1 देंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना नीचे 0 लगा देंगे। अब इसको काट देंगे, 5 चौका 20, 5 नवा 45, ये 5 से कट जाएगा तो 20। अब ये फिर कट जाएगा, 9 5 45, 5 चौका 20, ये 9/40 का आंसर हो गया। इसी को अगर बोलेगा मिस भिन्न में लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं 2 × 1/4, दोनों आंसर सही है। चलिए अब एक और क्वेश्चन बताते हैं। दिया गया है कि 25/200 को दशमलव में बदलना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 25/200, नीचे वाले को क्या करना है कि 100 या नहीं तो 1000, पुराना है नहीं तो 10000। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से अगर गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, अगर नीचे 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब 25/5 कितना हो गया, 125, और 205 1000। अब देखिए नीचे में कितना, 3 अंक 0 है, 1 2 3, तो ऊपर में 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ऊपर कितना है, 125। 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो गया 0.0125, इसका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं तो क्लियर होगा। दिया गया है कि 12/50, तो सेम इसको 12/50, अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो 50 × 100 हो जाएगा, तो फिर नीचे करेंगे तो गुना ऊपर भी करना पड़ेगा सेम, तो 12 × 2 = 24, 50 × 100। अब नीचे देखिए 1 2, नीचे 2 अंक 0 है तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ऊपर कितना है, 24। 24 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.0, तो 0.24, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45/40, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये समझ गए तो मानो आप समझ गए पूरा। तो 45/40 है तो इसको क्या करेंगे, 45/40, अगर इसको हम 5 से गुना कर देंगे सेम वही, तो 45 5 कितना, 5 25, 5 का 20, 2 22, 225/40 × 200। तो ये 225/200 हो गया, दो नीचे में 2 अंक 0 है तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 2.25 इसका आंसर होना चाहिए ना, 2.25। लेकिन ये आंसर नहीं, सही नहीं हुआ, ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। कैसे, क्योंकि नीचे में या तो 100 करना है, या तो 1000 करना है, या तो 10000, ये 2 है या 2 नहीं, 2 के बदले 1 करना है, तो इसको 1 कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। इसको 1 करने के लिए अब ये 225 को अगर फिर से अगर 5 से गुना कर देंगे, 200 को 5 से गुना कर देंगे तो 205 1000 हो जाएगा, 225 5 5 25 5 5 10 2 12 5 2 10 1 11 25, 205 1000, 3 0। अब ये करेक्ट, नीचे इधर 1 आ गया। अब 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक नीचे 3 अंक 0 है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 3 अंक के बाद हो जाएगा 1.1125, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं।